इंडियन बाइक्स ड्राइविंग दे दी जो कि कॉपी इंस्पायर्ड है GTA 5 से। ये गेम इतनी ज्यादा पॉपुलर तो इस गेम की ऑब्वियसली कॉपीज तो बनी होगी और वो सारी की सारी कॉपीज हमने ट्राई भी कर रखी हैं। बट आज मैं एक ऐसी गेम ट्राई करने वाला हूँ जो कि इंडियन बाइक्स ड्राइविंग दे दी की कॉपी नहीं है, सीधा GTA 5 की कॉपी है और कॉपी नहीं इंस्पायर होकर बनाई गई है और वो मोबाइल के लिए और काफी ज्यादा खतरनाक है। खेली तो मैंने भी नहीं है, मैंने भी सुना है, तो आइए देखते हैं वो आखिर गेम है कैसी। ओहो के तो मैंने गेम को ओपन कर दिया और ओपन करते ही मुझे कुछ ऐसा मेन्यू देखने को मिल रहा है और साइड में प्ले का बटन है तो मैं सीधा प्ले पे क्लिक कर लेता हूँ। ओहो के मैंने प्ले पे क्लिक कर दिया और इसकी लोडिंग तो बिल्कुल इंडियन बाइक्स ड्राइंग दे दी और GTA V जैसी है। भाई क्या ये वाली गेम ऐसी है जैसी दिखाई जा रही है? ऐसी तो नहीं होगी, लेकिन स्टार्ट होने तो ओहो के स्टार्ट हो चुकी है मेरी गेम और यहाँ पर आ रहा है डेली रिवार्ड्स। मैं फर्स्ट पे ही क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरी गेम और ये इसका करेक्टर है। चलो करेक्टर तो मुझे काफी ज्यादा क्रेजी लगा और इसने जो पहन रखा है वो और भी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। और ये वाला है मेरा रूम और ये इस वाले रूम का बेडरूम जो कि मेरा ही बेडरूम है। एक सेकंड, ये किस ऑप्शन है? मैं इसके बीच में जाता हूँ, एक शर्ट वाला ऑप्शन आया, मैंने क्लिक किया। ओह साइड में इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं जहाँ से मैं अपने कॉस्ट्यूम्स को चेंज कर सकता हूँ। और ये भाई मेरे हेयर्स में तो सेम कैप ही करने वाला हूँ। चलो मैंने सेम कैप कर ली और सिर्फ कैप नहीं है, इतने सारे ऑप्शन है शर्ट्स के, पैंट्स के और काफी सारे। भाई ये तो मुझे बिल्कुल वैसी फील दे रहा है जैसे कि GTA V के अंदर हम फ्रैंकलिन के क्लोथ्स को चेंज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही थीम रखा गया है। क्रेजी क्रेजी कॉस्ट्यूम्स है और काफी कुछ है, बट अभी जो डिफॉल्ट था मैं वहीं रखने वाला हूँ क्योंकि वो डिफॉल्ट ही ठीक है अभी के लिए। ओहो के तो मैंने डिफॉल्ट करके एग्जिट कर लिया और फिर से मैं आ चुका हूँ अपनी गेम के अंदर। और ये वाला मेरा रूम भाई क्या क्रेजी है, लाइक भाई इतना ज्यादा बड़ा रूम है। वेट, ये टीवी और उस पे नो सिग्नल है, क्या ये टीवी भी चलेगी? आई थिंक नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो कोई नहीं आ रहा है। मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ कोई ऑप्शन है क्या। ये टीवी का कोई तो ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूं। ओके मैं टैप करता हूं, ओ यहां पर कोई तो ऑप्शन आया, मैंने क्लिक कर दिए और नो सिग्नल, वो भी गायब हो गया। वेट वेट, ये नीचे क्या आ रहा है? पिक ए वीडियो, यहां से कोई वीडियो पिक होगी। मैं क्लिक करता हूं, पहले इसको ऑफ करता हूं। अब मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, वे यहां से कोई भी मैं वीडियो पिक कर सकता हूं, वो भी अपनी। मैंने एक पिक तो कर लिया, अब मैं स्टार्ट करता हूं। एक सेकंड, स्टार्ट हुई थी। ओहो भाई ये कैसे, जो मैंने अपनी वीडियो पिक की है वही इस वाली टीवी के अंदर चल रही है। भाई ये क्रेजी, मतलब जो भी वीडियो तुम लोग चाहते हो वो इस वाली टीवी के अंदर देखे वो तुम लोग देख सकते हो। बट अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे और भी चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब मैं इस वाले रूम से बाहर निकलता हूँ, आई थिंक इस वाले गेट से ही निकलना है। मैं इस वाले गेट से निकल जाऊँ क्योंकि ये छोटा लग रहा है? नहीं नहीं बड़ा है। और इसकी गेट ऑन करने की एनिमेशन देखो भाई, सच्ची में ये वाला गेट ऑन और ऑफ करने में मुझे एक चीज फील आ रही है, मतलब वो सेम फीलिंग आ रही है मैं जैसे ही ऑन कर रहा हूँ। देखो हाँ भाई, जो जो लोग समझ गए ना, मुझे भी वही लग रहा है जैसे GTA V में फ्रैंकलिन और माइकल गेट ऑन करते हैं वैसे ही। और रूम से बाहर निकल दिए, मैं थोड़ा सा एरिया मिला और यहाँ पर ये किचन है जहाँ पर सारा का सारा हम कुछ भी बना सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं यहीं पर ही। भाई ये गेम कुछ ज्यादा ही क्रेजी नहीं हो रही? अब मैं सीधा बाहर जाता हूँ। वेट, ये एक और डोर है, इसके अंदर भी एक है, मैं अंदर जाता हूँ। ओह वेट, यहाँ पर एक गैराज है जिसके अंदर मेरी सिर्फ एक साइकिल पड़ी है और कुछ भी नहीं पड़ा है, और इस वाली साइकिल को मैं चला भी सकता हूँ। भाई क्रेजी, ये साइकिल तो ठीक ठाक है लेकिन ये जो गैराज है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी कार्स को पार्क कर सकते हैं। लेकिन वो साइड की बात है, मुझे बाहर निकलना है, बाहर से देखना है ये गेम लग के जरिए। मैं बाहर आ चुका हूं और बाहर देखो भाई, ग्राफिक्स में तो इस वाली गेम ने किल कर दिया, कितने ज्यादा खतरनाक ग्राफिक्स लग रहे हैं बाहर आने के बाद। एक सेकेंड, यहाँ पर एक महिंद्रा थार, वेट ये अपने आप ही ऑन हुआ और अपने आप ही ऑफ हो गया, अपने आप ही ऑन हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब ये गैराज के गेट से जिनके हम पास जाएंगे तो ये अपने आप ही ओपन होंगे और जैसे ही दूर जाएंगे तो ये अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे। भाई क्या क्रेजी चीजें हैं इस वाली गेम के अंदर। अब मैं अपनी महिंद्रा थार के पास जाता हूँ और इसको मैं चला के देखता हूँ ये चलेगी। ऑब्वियसली कार है तो आई थिंक चलेगी, ये सो ऑप्शन तो आ चुका और इस वाली कार के अंदर मैं बैठ चुका हूँ और ये मैं इसको चला भी सकता हूँ। वो तो ठीक है, मैं कार को चला सकता हूँ, लेकिन यार ये ग्राफिक्स कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और इसकी ग्रास देखो, इसके ट्रीज देखो, हाँ ट्रीज थोड़ी सी सस्ती वाली है आई थिंक परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन ये डॉग ऑप्शन आ रहा है, डॉग का क्या मैं बैठ सकता हूँ? मैं क्लिक कर लेता हूँ इस पे, मैंने क्लिक कर दिया ऑप्शन पे और ये सीधा हो चुका है, मैं बैठा नहीं। ओह मतलब ये मेरे पीछे आएगा, मतलब जैसे ही डॉग वाले ऑप्शन पे क्लिक किया ये तुम लोग के पीछे लग जाएगा। लेकिन अभी भाई तू बैठ जाइए पर, ठीक है बैठ गया। चलो अब ये बाहर से हाउस मेरा कुछ ऐसा लगता है और ये स्विमिंग पूल है, एक बार मैं इस वाले स्विमिंग पूल में जाता हूँ। आई थिंक इसमें नहीं जाएगा, मैं जाके तो देखता हूँ। ओह वेट,
भाई इसने तो प्रॉपर जंप किया था, जब स्विमिंग पूल में जाते हैं या फिर किसी भी पानी में जंप करते हैं वैसे ही जंप किया। और ये क्या खतरनाक तैर रहा है, और तैरते वक्त ये जो रियल लाइफ में बनते वो भी इसके पीछे बन रहे हैं, भाई क्रेजी है। लेकिन अभी मैं स्विमिंग पूल से एग्जिट कर लेता हूँ और भाई मजा आया। वेट, तुम लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। अब ना कहो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि तुम लोग करोगे नहीं। अब फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओके 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 ओके। वेट, ये मैंने रैंडमली फोन के अंदर चीट कोड्स वाले ऐप को ऑन किया और यहाँ पर इतने सारे चीट कोड्स हैं जिनकी स्टार्टिंग है 201, 301 एंड 401। तो मैंने 201 डायल किया है और डायल हो रहा है अभी भी, एक सेकंड कुछ भी नहीं आया। भाई मैंने सही तो टाइप किया, इस बार मैंने 202 डायल किया है और ये कॉलिंग हो रहा है, इस बार भी कुछ नहीं है। मैंने यही तो डायल किया जो कि यहाँ पर है। वेट, इनके सामने हैश भी है, ये भी डायल करना है क्या? एक बार मैं हैश के साथ भी डायल कर लेता हूँ। 201 मैंने डायल किया इस बार और अबे फर्स्ट चीट कोड ही अपनी फेवरेट स्प्लेंडर का निकल आया। भाई मतलब जो हमारी फेवरेट बाइक है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्रीडी के अंदर, इसके फर्स्ट चीट कोड पे वही निकल आई। और आई थिंक बिल्कुल सेम ही है क्योंकि मुझे डिफरेंस तो नजर नहीं आ रहा है और काफी ज्यादा क्रेजी लग रही है जैसे उस गेम में लगती है। भाई ये वाली बाइक इस वाली गेम के अंदर आ गई, मतलब आज से ये वाली गेम भी मेरी फेवरेट है। भाई मुंह की बात छील ली। चलो अब ये इतने सारे चीट कोड से तो एक एक करके ट्राई करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें आती है। वेट, मुझे हैश फर्स्ट में डायल करना है। तो अब सेकंड चीट कोड है 202, तो मैंने इसको डायल कर लिया और इस पे सुपर स्प्लेंडर आई है सेम, वो भी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D वाली। अब मैंने 203 डायल कर लिया और ये डायल कर दी, ये कौन सी अपाचे जैसी लग रही है लेकिन ये ब्लैक में है। अब मैं डायल करता हूं 204, ये मैंने डायल करी है और ये डायल कर दी, अब ये अपाचे बाइक सेम इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D वाली। भाई मुझे तो दोनों ही अपाचे लग रही थी क्योंकि साइड में बस ये आ रहा है कि चीट कोड एक्टिवेटेड, कोई भी नाम नहीं आ रहा है। और ये बुलेट, भाई ये तो सारी की सारी क्रेजी क्रेजी बाइक्स है। मैं सारे चीट कोड्स डायल करता हूं जहां तक के सारे डायल करूंगा। और ये ड्यू क्या आई थिंक यार, ये ठीक होना चाहिए, कोई भी बाइक स्पॉन करा रहे हैं या फिर कुछ भी स्पॉन करा रहे हैं साइड में उसका नाम आना चाहिए जैसे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्रीडी के अंदर आता है। सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है कि चीट कोड एक्टिवेटेड, कोई भी नाम नहीं आ रहा है। अब मैंने एक और डायल कर लिया चीट कोड और इस पे आई थिंक निंजा H2R, लेकिन यार साइड में नाम आना चाहिए था, आई थिंक ये आगे चल के ठीक हो जाए। मैंने एक और चीट कोड डायल कर लिया और इस पे आई है हायाबुसा। उसके बाद 210 है चीट कोड, तो मैं इसको भी डायल कर लेता हूं और ये डायल नहीं हुआ। कलेक्ट फ्रॉम डेली रिवार्ड, अच्छा मतलब ये डेली रिवार्ड्स में हमें कभी ना कभी मिल जाएगी। मैं एक और चीट कोड डायल करता हूं 211 और ये डायल करती है, ये कौन सी है? आई थिंक KTM है, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर तुम लोगों को बताया तो कमेंट्स में बताओ। मैं एक और चीट कोड डायल करता हूं और ये मैंने डायल किया है और इस पे भी सेम। मैं एक और चीट को डायल कर लेता हूँ 213 और ये मैंने डायल किया, एक और बाइक आ गई है लेकिन ये कौन सी है मुझे नहीं पता। उसके बाद 214 ये मैं डायल कर लेता हूँ और ये डायल करती कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ तक एंड है क्या? अरे हाँ एंड है, अब स्टार्ट होते 301 से। तो अब मैं 301 से स्टार्ट करता हूँ, मैंने चीट को डायल कर लिया है फर्स्ट और ये डायल करती, ये कौन सी है? वेगनार जैसी लग रही है बट डिफरेंस है काफी ज्यादा, स्विफ्ट या फिर कुछ ऐसी है। मैंने एक और चीट को अब ही है मैंने क्या डायल कर दिया और इसमें फॉर्च्यूनर आ गई। भाई मुझे डायल कर रहा था 302 और मैंने डायल कर लिया 305, अब मैंने 2 डायल कर लिया और ये डायल करती, अब भाई ये वेगनार, वो वेगनार जैसी थी लेकिन ये खुद वेगनार है। लेकिन वेट वेट, ये तो डायल कर लिया, मुझे तो 300 से स्टार्ट करना है, मुझे डायल करना है 303, तो मैंने डायल कर लिया इसको और ये डायल कर दी, आ चुकी है बोलेरो। बोलेरो या फिर कोई और है, मुझे तो बोलेरो लग लिया लेकिन तुम लोगों को बताया तो कमेंट्स में बताओ। मैंने एक और चीट को डायल किया और इस पे तो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को तो देखते ही हर कोई पहचान जाता है, तो मैंने एक और चीट को डायल कर लिया 305 और इस पे तो सेम फॉर्च्यूनर, ये तो डायल कर चुके हैं। उसके बाद 306 मैंने डायल कर लिया और ये डायल कर दी, कार आई महेंद्र थार आई और ये उल्टी हो गई और ये जा रही है, अरे ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, फिसलती जा रही है अपने आप ही। भाई पता नहीं इसको क्या हुआ है लेकिन इसको छोड़ो, मैं एक और चीट को डायल करता हूं और मैंने डायल भी कर दिया है। ओ ये कौन सी, ओ वेट भाई ये तो पोर्शे और आई थिंक 911 पोर्शे। भाई ये कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है, अब तो ये गेम फेवरेट से भी फेवरेट हो चुकी है। अब तो मैं इस वाली कार को ही चलाने लगा, लेकिन मैं सारे चीट कोड्स को डायल कर लेता हूँ। एक और मैंने डायल कर लिया है और वो सेम, मैं 309 डायल कर लेता हूँ और देखते हैं इस पे क्या था। मैंने डायल कर लिया और इस पे भी सेम आया, मैं डायल करता हूँ 310, आई थिंक उस पे कुछ ना कुछ आएगा। मैंने डायल कर दिया है और
इस पे भी सेम ऑप्शन भाई, मतलब ये मुझे डेली रिवार्ड में मिलेगी, मुझे कौन सी कार मिलेगी? अभी मैंने एक और चीट को डायल कर लिया और इस पे भी कुछ नहीं है, मैंने 312 डायल कर दिया और ये डायल कर दी, एक सेकंड, ये तो खुली हुई महिंद्रा थार है, कुछ तो आया। मुझे तो लगा हर चीट कोड पे अब डेली रिवार्ड आएगा, लेकिन एक आई है तो मैंने एक और भी चीट कोड डायल कर दिया और चीट कोड यहीं पर एंड है। आई थिंक ये ना तो कोई व्हीकल है, ये ना तो वो वाला ऑप्शन आया डेली रिवार्ड वाला, मतलब यहीं तक एंड है। अब मैं और देखता हूँ, ओके, तो अब सारे के सारे चीट कोड 400 से स्टार्ट है, तो मैं फर्स्ट चीट कोड डायल करता हूँ 401, तो मैंने डायल कर लिया 401 और भाई ऑटो रिक्शा। अब भाई ना प्रॉपर इंडियन फील में एक और चीट को डायल करता हूँ 402, मैंने 401 डायल कर लिया और ये सेकंड चीट कोड, इस पे ट्रैक्टर। अब बार ये प्रॉपर इंडियन फील, सारे के सारे चीट कोड जो आ रहे हैं 400 पे वो इंडियन फील वाले हैं। वेट, मुझे 300 नहीं 400 डायल करना है। ओके, तो अब मैं डायल करता हूँ 404 और ये मेरे डायल करते ही आ चुकी है एक बस, लेकिन ये वाली बस मॉडर्न बस लग रही है और काफी सारी मॉडर्न बस तो अब आ भी गई है, तो मैं अब एक और चीट कोड डायल करता हूँ, इस पे साइकिल जो गैराज में पड़ी थी। अब मैं एक और चीट कोड डायल करता हूँ 406 और ये मेरे डायल कर दी, अब ये वाली साइकिल भाई, ये तो प्रॉपर इंडियन फील दे रही है ये वाली साइकिल, स्पेशली विलेजेस में होती है। मैंने एक और चीट को डायल कर लिया और ये डायल कर दी, खत्म। चीट कोड तो सारे के सारे खत्म हो चुके और भाई कितनी सारी व्हीकल्स को मैंने स्पॉन कर लिया, इतनी सारी बाइक्स, इतनी सारी कार्स, इतनी सारी अदर व्हीकल्स। लेकिन भाई अभी जो ऑन द स्पॉट मेरी फेवरेट कार बनी है 911 पोर्शे, वो आई थिंक 911 है या फिर कोई और है, तुम लोग बता देना, मुझे तो वही लग रही है। लेकिन जो भी है मैं इस वाली को लेता हूँ और सिटी को बाहर से एक्सप्लोर करता हूँ, भाई ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। ऑलराइट, मैं इस वाली कार में बैठ चुका, अब बस मैं आराम आराम से अपने घर से इस वाली कार को निकालता हूँ। लेकिन इस घर का गेट कहाँ पर है? वेट, ये छोटा सा जो मुझे नजर आ रहा है यही गेट है क्या इसका? एक बड़ा गेट भी नजर आ रहा है और ये एक छोटा है, मेरी कार भी ये छोटी सी, आई थिंक इस वाले गेट से ही निकल जाएगी और ये गेट ओपन तो हो रहा है। ओके ओके, बस मेरी कार निकलने वाली और निकल चुकी है। अब मैं पहुंच चुका हूँ सिटी में और सिटी में देखो भाई कार्स चल रही है, वो भी वेगनार, जिसे इंडियन बाइक्स ड्राइंग थी ठीक है, ओल्ड वर्जन में चलती थी सिर्फ और सिर्फ वेगनार। वे ये साइड में एक बिल्डिंग है जो कि काफी ज्यादा क्रेजी लग रही है, लेकिन सिटी में सिर्फ वेगनार नहीं घूम रही है, मैंने एक ट्रैक्टर ऑटो भी सिटी में घूम रहा है, सामने की तरफ ट्रैक्टर भी घूम रहा है, बस ट्रक सभी घूम रहे हैं, ये क्रेजी है भाई। एनपीसी साइड में चल रही है और सारी की सारी कार्स, बसेस, ट्रक्स, ऑटो सभी चल रहे हैं भाई। ये हुई ना बात, ट्रैफिक पूरी की पूरी घूम रही है, सारी की सारी व्हीकल्स है और साइड में ये इतनी सारी ट्रीज, यहाँ पर कोई पार्क वगैरह है क्या? नहीं, आई थिंक ऐसे ही है। लेकिन भाई इसके ग्राफिक्स देखो कितने ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। वेट, ये मुझे साइड में एक मैप का भी ऑप्शन नजर आ रहा है, मतलब इसमें पर मैप दिखा रहे हैं, मैं क्या इसको ऑन भी कर सकता हूँ? वेट, मैं साइड में पार्क करता हूँ और देखता हूँ भाई, बस मैप ऑन हो जाए क्योंकि मैं लोकेशन से फिर देख सकता हूँ। मैं साइड में पार्क करता हूँ और अब बस मुझे मैप पे टैप करना है। ओके, मैं टैप करने वाला हूँ, बस प्लीज ओपन हो जाना, मैं टैप कर रहा हूँ और ये मैंने टैप कर दिया और ऑन हो गया। और यहाँ पर मुझे अपनी रियल टाइम पोजीशन नजर आ रही है और मैं मैप को छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ और सारी की सारी लोकेशंस भी नजर आ रही हैं और साइड में सारी की सारी लोकेशंस भी लिखी हुई हैं जो कि इस वाले गेम के मैप के अंदर हैं। विलेज भी है, मैं विलेज के अंदर जाता हूँ सीधा, मुझे विलेज ढूंढना पड़ेगा के अंदर, यहाँ पर तो मुझे नजर नहीं आ रहा। एक सेकंड, ये वाला विलेज है, मैं इस पे टैप करता हूँ और ये यही विलेज आए थे। ओके, तो मैंने इस पे टैप कर दिया, फिर से टैप किया, रूट चेंज हो गया और ये तो छोटा रास्ता है। चलो, फर्स्ट रूट मुझे इतना ज्यादा बड़ा मिला था, लेकिन सेकंड टैप पे मुझे छोटा सा रूट मिल गया, अब बस मैं इसी को ही फॉलो करते जा रहा हूँ। और यार ये क्रेजी चीज है, जब मैं गाड़ियों को क्रॉस कर रहा हूँ ना, जैसे रियल लाइफ में साउंड सुनाई देता है ना क्रॉस करने का, वही सेम सुनाई दे रहा है। एक बार साउंड को सुनो, मैं मैप को फॉलो करते तो जा रहा हूँ और ये साइड में मुझे क्या दिख रहा है? ऐसा कोई रेगिस्तानी एरिया लग रहा है और यहाँ पर कोई रास्ता जा रहा है, यहीं जा रहा है क्या विलेज वाली साइड? लेकिन मैप में तो कहीं और से दिखा रहा है, नहीं यहीं से तो आई थिंक नहीं जाएगा क्योंकि मैप में तो वहां से दिखा रहा है, मुझे मैप को ही फॉलो करना चाहिए। और भाई यहाँ पर चल रहा हूँ तो कुछ अलग ही साउंड चल रहे हैं, जैसे रेगिस्तान में चलते हैं वही साउंड। एक सेकंड, अब मुझे यहाँ से टर्न करवा रहा है, वहां से रास्ते से नहीं टर्न करवाया, बीच से टर्न करवा रहा है। और भाई यहाँ पर क्या साउंड सुनाई दे रही है चलने की? साउंड में क्रेजी वर्क कर दिया गया, तुम लोग सुनो। ओ, सामने की तरफ विलेज नजर आ चुका है, लेकिन तुम लोग साउंड सुनो।
ओके, तो मैं विलेज वाले एरिया में पहुंच चुका हूँ और ये तो वही सेम रास्ता है जहाँ से गुजर रहा था, वहां से मुझे क्यों नहीं पता है मैं इसी रास्ते से आ जाता। और भाई यहाँ पर कार से डस्ट कितनी निकल रही है, बिल्कुल रियलिस्टिक फील। और ये वाला विलेज साइड में खेती बाड़ी भी है भाई, क्रेजी। वर्क तो काफी ज्यादा क्रेजी कर दिया गया है इस वाली गेम के अंदर। और ये देखो, ये विलेज भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पर मुझे एक चीज की कमी लगी जो कि एनपीसी विलेज टाइप की एनपीसी होती फिर कितना ज्यादा खतरनाक लगता ये विलेज। बट आई थिंक ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर में इस वाले विलेज के अंदर एनपीसी को ऐड कर दिया जाए तब तो काफी ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। डेवलपर सर, अगर तुम ये वाली वीडियो देख रहे हो तो इस वाली चीज को नोट करना प्लीज। बाकी ये वाला विलेज मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और काफी ज्यादा अच्छी जगह पे बनाया गया है, मतलब बिल्कुल हर जगह से देखो ऐसी फील आ रहा है जैसे कि ये विलेज ही है। आसपास में कोई भी सिटी नहीं है, लेकिन मैंने विलेज को घूम लिया, अब मैं कोई और जगह पे जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाऊंगा। हाँ लेट्स गो, मैंने एयरपोर्ट को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं अपनी फेवरेट पोर्शे को निकालता हूँ और सीधा जाता हूँ एयरपोर्ट पर। बट भाई इसके ग्राफिक्स में फैन हो गया हूँ इसके ग्राफिक्स का। बाकी अभी मैं सीधा जाता हूँ एयरपोर्ट पर। ओके, तो मैं अपनी फेवरेट पोर्शे को भगाते हुए लेके आई हूँ और ये आ चुका है हाईवे, अब मुझे सीधा जाना है। ये हाईवे भी देखो तो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, यहाँ पर भी ऑटो चल रहे हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, बाइक्स चल रही हैं और ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, इस वजह से काफी ज्यादा अच्छी फील भी दे रही है, क्योंकि एक दो गाड़ी सेम गाड़ियां चलती तो इतना ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन अलग अलग व्हीकल्स चल रही तो अच्छा लग रहा है। बाइक्स भी चल रही है, साइकिल्स भी चल रही है, ऑटो रिक्शा भी चल रहे हैं, ट्रैक्टर्स भी चल रहे हैं, कार्स भी चल रही है, ट्रक्स भी चल रही है, साइड में एनपीसी भी चल रहा है, भाई काफी ज्यादा खतरनाक है। वेट, मुझे यहाँ जाना और वो एयरपोर्ट है, यहाँ पर एयरपोर्ट मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे। और यहाँ पर तीन बड़े टेंट टाइप लगे हुए हैं और इनके अंदर कोई एरोप्लेन वगैरह है क्या? एयरपोर्ट है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, मैं देखता हूँ। नहीं, ये वाला तो खाली है और सामने वाला भी खाली है, इस साइड वाले में होगा आई थिंक। मैं देख लेता हूँ इस वाले लास्ट में, और इसके अंदर भी कोई एरोप्लेन नहीं है। भाई ये कैसा एयरपोर्ट है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, लेकिन आई थिंक फ्यूचर में आ जाएंगे। अब मैं फिर से अपना मैप ओपन करता हूँ और देखता हूँ कोई और जगह है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। देखता हूँ यहाँ पर मैप में, मुझे अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और वेट, यहाँ पर कुछ है, एक शोरूम है और एक व्हीकल कस्टम है। मैं पहले शोरूम पे जाता हूँ फिर व्हीकल कस्टम पे जाऊंगा। चलो, मैंने शोरूम को सिलेक्ट कर लिया, अब फिर से मैं अपनी फेवरेट पोर्श को निकालता हूँ और सीधा जाता हूँ शोरूम पे। और एक सेकंड, तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो जितने भी देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया, नहीं किया तो कर दो सारे के सारे, थैंक यू। अब बस मैं हाईवे पे फुल स्पीड पे अपनी 911 पोर्श को लेके जाता हूँ, सीधा पहुंचता हूँ शोरूम पे। और शोरूम आई थिंक सिटी के बीच में ही होगा, तो मुझे फिर से सिटी के बीच में ही जाना पड़ेगा, बट मैं तो मैप को ही फॉलो करता हूँ फिर जहाँ भी लेके जाए। बात तो सही है। तो इतना ज्यादा हाईवे पे चलने के बाद जाके मुझे सिटी नजर आई है, अभी भी शोरूम नहीं आया है, सिर्फ अभी तक सिटी नजर आई है, अभी मुझे और भी ज्यादा आगे जाना है शोरूम तक पहुंचने के लिए। आई थिंक मैं पहुंच नहीं आया हूँ, बस थोड़ा सी आगे, क्योंकि साइड वाला मैप मुझे सब कुछ दिखा रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। और बस मैं शोरूम पे पहुंच गया और ये रहा वो शोरूम। शोरूम सिंपल है, इतना ज्यादा लग्जरी नहीं रखा गया है, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है सिंपल पे भी। चलो, मैंने अपनी कार से एग्जिट कर लिया, अब मैं जाता हूँ शोरूम के अंदर और देखते हैं कुछ कार वगैरह हम बाय कर सकते हैं या फिर ऐसे ही पड़े हैं। ओके, तो इसने गेट ओपन कर लिया और गेट ओपन करना तो काफी ज्यादा क्रेजी, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, ये क्या है, शोरूम के अंदर कोई है ही नहीं, अब मैं बाय कैसे करूँ कार, या फिर बाइक भी पीछे पड़ी है, मैं इस वाली कार में जाता हूँ और क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ? नहीं, ऑप्शन तो नहीं आ रहा, मतलब ड्राइव नहीं की, इस साइड से देखता हूँ शायद से इस साइड से ऑप्शन आ जाए, नहीं साइड से भी नहीं आ रहा, मतलब आई थिंक ऐसे ही पड़े हुए सिर्फ शोरूम के अंदर। वेट, यहाँ पर परचेज का ऑप्शन आया है, मैंने टैप तो कर लिया परचेज वाले पे और हो भी गई, टेक दी डिलीवरी फ्रॉम दी शोरूम बैक यार्ड, मतलब शोरूम के पीछे मैंने एक बार फिर से टैप कर दिए और फिर से सेम मैसेज आए, ये कहां पर होगी? ओ वेट, यहां से चेंज भी हो रही है, बाइक्स कार्स भी आ रही है, मतलब सारी की सारी यहीं से परचेज होगी। और ये क्या है, ये कहीं तो एरोस जा रही है, आई थिंक मुझे इनको फॉलो करना है, मैं इनके पीछे फॉलो करते करते जा रहा हूँ और ये शोरूम की इस साइड पे पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये मुझे शोरूम के पीछे लेके क्यों जा रहे हैं? लेकिन लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा, मैं जा रहा हूँ और मैं पीछे आ गया और वे यहाँ पर मेरी बाइक पड़ी हुई है और लोग खड़े हुए हैं सेलिब्रेशन के लिए। भाई इन लोगों ने तो प्रॉपर मेरी सेलिब्रेशन की है बाइक की डिलीवरी की यार, ये कितनी ज्यादा खतरनाक गेम है,
इतने सारे फीचर्स है, वो भी स्टार्टिंग में ही। इतने सारे लोग बाइक की सेलिब्रेशन के लिए खड़े हुए थे और मैं जैसे ही पहुंचा इन लोगों ने प्रॉपर सेलिब्रेट किया। भाई ये होती है चीजें, कब आएंगी ऐसी चीजें इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्रेड के अंदर? अरे इस शोरूम में और इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्रेड के शोरूम में 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है? 19-20 का फर्क है? 19-20 का फर्क है भाई? नहीं सीधी बात है, ये वाला शोरूम काफी ज्यादा क्रेजी था और इसके फीचर, लेकिन अभी मैं इस वाली बाइक से एग्जिट करता हूँ और अपनी फेवरेट पोर्श में ही बैठता हूँ। बट उससे पहले मैं कोई और लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे जाना है। यहाँ पर नजर तो आ रहे हैं, ये एक पार्क है, मैं पार्क में जाऊंगा। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं पार्क को सिलेक्ट करता हूँ और सीधा जाता हूँ पार्क में। वेट, इससे पहले तो व्हीकल कस्टम है तो मैं वहां पर जाता हूँ, फिर यहाँ पर पहुंच के फिर पार्क में चले जाएंगे। ऐसा ठीक है, मैं फेवरेट पोर्श को निकालता हूँ और सीधा जाता हूँ व्हीकल कस्टम पे। लेट्स गो, मैं अपनी फेवरेट पोर्श में बैठ चुका हूँ और अब जैसे मुझे मैप दिखा रहा है बस उसी को ही फॉलो करना है और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। तब तक तुम लोग सारे के सारे जितने भी देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू। अब बस मैं सीधा जाता हूँ जहाँ पर मेरे मैप की लोकेशन है, बस मैं जल्दी जल्दी पहुंचता हूँ। ओके, तो मैं इतनी जल्दी पहुंच भी गया, इतना ज्यादा दूर नहीं था और आई थिंक यही वाला है। और यस यही है। क्या मैं इस वाले गेट के अंदर जा भी सकता हूँ? मैं थोड़ा सा अपनी कार को आगे करता हूँ, आई थिंक ओपन हो जाएगा। और यस ओपन हो भी गया और अंदर गैराज है भाई, लिटरली में क्या क्रेजी चीजें। अब मैं इस वाले गैराज के अंदर अपनी कार को कस्टम भी कर सकता हूँ। भाई मैं जैसे इसके बीच में आया कुछ ऐसा आ चुका है और साइड में इतने सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, यहाँ से मैं कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको ब्लैक ही रखता हूँ और इतने सारे ऑप्शंस हैं तो मैं सारे के सारे ऑप्शंस को देखता हूँ और अपनी व्हीकल को कस्टम करता हूँ। ये क्या बोल दिया, लेकिन उसको छोड़ो, मैं अपनी सारे के सारे इन ऑप्शंस को यूज करके एक खतरनाक अपनी पोर्शे को बना देता हूँ। भाई लिटरली में इतने सारे फीचर्स है, कार कलर, मिरर कलर, रिम्स चेंज और काफी सारा और चीजें, टायर्स बड़े, क्या क्या है। अब इन सारे के सारे ऑप्शंस का यूज करके मैं अपनी इस वाली पोर्श को एक काफी ज्यादा खतरनाक पोर्श बना लेता हूँ जल्दी जल्दी। बस मुझे कुछ ना कुछ यूनिक करना है तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने अपनी पूरी की पूरी पोर्श को बना दिया और भाई अब तुम इसको देखो। नो भाई लिटरली में क्या क्रेजी कर दिया मैंने, मुझे कुछ यूनिक बनाना था और ये बना दिया। लाइक सीरियसली भाई खतरनाक तो लग रही है। और इसका मैंने स्मोक भी पूरा का पूरा ब्लू कर दिया है और अब मैंने पार्क को भी सिलेक्ट कर लिया। तो अब मैं अपनी इस वाली पोर्श को लेके जाता हूँ सीधा पार्क पे। बट भाई जो भी कहो, चल तो काफी ज्यादा क्रेजी रही है यार, ये क्या हो गई है, इतनी ज्यादा खतरनाक सुपर कार और मैंने कुछ इसको ऐसा कर दिया है। लेकिन ठीक है, अब मैं जल्दी से बस पहुंचता हूँ पार्क पे। बट अब मैं कैसे पहुंचूंगा इस वाली कार को लेके, लेकिन जो भी हो मुझे तो इसी को ही लेके जाना है वहां पर। बट जो भी हो मेरी फेवरेट है और अच्छी भी लग रही है, तुम लोग को भी लग रही है तो कमेंट्स में बताओ, मैं सीधा पार्क पे जाता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा ही चलने के बाद आ चुकी है ये वाली पार्क और यस यही पार्क है। यहाँ पर इतनी सारी ट्रीज लगी हुई है, बेंचेस लगी हुई है और यहाँ पर इसके ग्राफिक्स क्या लग रहे हैं। और ब्रेक 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 ब्रेक, बस यही इस पार्क का सेंटर है आई थिंक, क्योंकि मुझे यही नजर आ रहे हैं और चारों तरफ से रास्ते भी आ रहे हैं। पार्क ठीक ठाक है, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, पार्क ऐसी होनी चाहिए सिंपल। लेकिन पोर्श कभी भी सिंपल नहीं होनी चाहिए, पोर्श होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। और अब आई थिंक जो चीजें देखनी थी वो सारी की सारी देख ली, जो करना था वो कर लिया, जो चीजें स्पॉन करवानी थी वो भी करवा ली। अब मैंने गेम के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया और ये मेरी कार को क्या हो गया, पूरी की पूरी उल्टी हो चुकी और तो सीधी भी नहीं होगी, मुझे एग्जिट ही करना पड़ेगा, तो मैं एग्जिट कर लेता हूं। और हाँ एक और चीज, मैंने एनपीसी से कोई भी गाड़ी छीन के नहीं देखी है। एनपीसी से ये गाड़ी छीनते हैं या फिर नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा। अबे तू हट जा, मुझे बस में बैठना है। और ये वाली बस आ चुकी है, मैं इसमें बैठता हूँ, निकल भाई। और यस आई थिंक ये इस वाली बस के अंदर भी बैठ रहा है, अंदर तो गया है लेकिन मुझे ऑप्शन अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा और उसको बाहर निकल दिया और मैं चला पा रहा हूँ भाई, क्या क्रेजी गेम है। और अब तो आई थिंक मैंने सब कुछ कर लिया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया, तो वो तुम लोग कॉमेंट्स में बता देना जो जो नहीं किया है अभी तक। मुझे लग तो रहा है कुछ चीजें हैं जो मैंने मिस कर दी है अभी तक, वो ट्राई नहीं किया लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या है। और मैप में तो वैसे भी कुछ नहीं बचा है, सारी की सारी जो जो चीजें थी वो सभी मैंने घूम ली है और सारी की सारी एंजॉय भी कर लिए। बस आई थिंक यही था और कुछ चीजें रह चुकी तो वो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।